हेलो गाइस, वेलकम टू मार्शल गेमिंग अगेन। तो ये कर दिया मैंने कंटिन्यू और जल्दी से मैं मारने जा रहा हूँ चार्ल्स को। और यहाँ मैंने अपनी चुप चुप को आगे बढ़ाया, गन ली और बजूका से फायरिंग कर रहा हूँ मैं चार्ल्स पे। भाई साहब बहुत खतरनाक हो गया है जब से इसके एग्स के ऊपर आया है। तो लास्ट वाले मिशन में मैं मर गया था और इस वाले में भी ट्राई करूँगा ना मरूँ, आई मीन मुझे चार्ल्स ना खा जाए। भाई साहब स्क्रैप इकट्ठा किया, पहले अपने आप को रिपेयर करते रहना है। और ये ले लिया मैंने लॉन्चर, रॉकेट लॉन्चर, तो छोड़ देता हूँ। ये भाई साहब देर मेरे, तो भाई इसमें ना एग्स को पता नहीं कहा मैंने, जैसे एग्स को रखा तो इसमें शायद सुपर पावर्स आ गई है। और ये भाई साहब ऐसा लग रहा है जिम विम करके आया मेरे को मारने के लिए, आई मीन चुप को खाने के लिए मेरी, बट डरने का नहीं उड़ाने का है भाई सबका। अब शिट ये नहीं मर रहा है, इसकी तो पावर्स कम आधी कर दी है, मतलब आधे से ज़्यादा कर दी है, सॉरी थोड़ी सी की है। बट यार एक्चुअली क्या है कि गायब हो गया यार भाई साहब, इसका साउंड बड़ा स्कैरी सा आ रहा है। हेडफोन लगा के वॉल्यूम अप है, फिर से रिपेयर किया और फिर से ले लिया अपनी फेवरेट बंदूक। दिक्कत ये पता है क्या, इस वाले गन से थोड़ी कम कम गोलियां निकलती हैं, हीट हो जाती है, देखो लाल हो गई है। तो भाइयों इसमें तो बिजली फिर से गायब होगी, तो एक टाइम पे आगे गोली चलने बंद हो जाती है, इसलिए बार बार चेंज करनी पड़ रही है। और मैं इसके मुंह पे मार रहा हूँ क्योंकि मेरे को उसका मुँह बड़ा भद्दा लग रहा है। तो भाई साहब फिर से गायब हो गया, फिर से रिपेयरिंग करनी है। यस यस, मेरे पास बहुत स्क्रैप है। ओ ये लगी भाई को, लगी ना। अबे अच्छा, इसको तो टेलीपोर्टेशन भी आता है यार, पर छोड़ना नहीं, इसको मारना है। और भाई इससे थोड़ी सी पावर हो तो रही है कम, पता नहीं कितनी होगी। फिर से चेंज करते हैं, रिपेयर। और भाई ले लो अपनी गन और पास आओ। तो भाई ये आई थिंक इसको मेरे को लेके जाना है एक ब्रिज पे जहाँ पे मैंने बॉम्ब लगाए थे, तो ये वहीं जाके वो ब्रिज ब्लास्ट होगा और ये वहाँ जाके मरेगा। तो पता नहीं वहाँ तक लेके भी जा पाऊँगा या नहीं। स्क्रैप भी कम बचे हैं और 20-16 ही रह गए हैं। भाई फिर से बस ऊपर ले लिए। अब मैं ऐसा करता हूँ, आने देता हूँ, थोड़ा रेस्ट मिलेगा। भाई साहब परफेक्ट शॉट, भाई फिर क्या गायब हो गया यार, ये मरेगा क्या, मर जाएगा क्या, आई डोंट नो, बट ट्राई करो। भाई सब बंदा रुक नहीं रहा है, बार बार गुस्से में आके टेलीपोर्ट हो रहा है। ये अब कहाँ गया, रिपेयर हो जाता हूँ उसमें, मैंने रिपेयर हो गया है। और मेरी बंदूका आ जा भी, हाँ अभी तो बस जाने वाला है, मरने वाला है, बस थोड़ी सी देर और मैं इसको संपन्न कर दूंगा, ही निपटा देना मेरे को आज इसको, आज से मैं मर्डरर बन जाऊंगा। यस आज से, मतलब मैं गर्व से कह पाऊंगा हाँ मैंने चार्ल्स को मारा है। यस यार, तो ऐसा लग रहा है जैसे सन 80s में ना होता था वो स्केरी भूत वाला साउंड, पहले रिपेयर कर लेता हूँ फिर बताता हूँ, जो स्केरी वाला साउंड होता था जैसे मूवीज होती थी 80s-90s वाली भूतों वाली, ऐसा साउंड आ रहा है, बढ़िया एकदम क्लासिक। तो बस 1 इंच की पावर रह गई है और बस मुझे 1 इंच पावर ख़त्म करनी है, मेरे पास 2 इंच पावर है। यस ये पागल हो गया, ये वाकई पागल हो गया, इसको पता है इसका टाइम आ गया है और ये पागल हो गया। ये कहाँ छुटा है यार, सही से मार फिर गायब। भाई सब थोड़ा सा रह गया, बस एक दो और चार्ल्स गया। ओ भाई सब गया क्या, ये तो और ज़्यादा पागल हो गया, हो गया काम। तो भाई ये बेवड़ों की तरह आ गया इस ब्रिज पे और मैं ले आया हूँ ये शिट ब्लास्ट कर दिया है भाई साहब। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, आप देख रहे हो चुचू चार्ल्स की एंडिंग। ओ भाई साहब या शिट यार, इस कदर इसकी एंडिंग होगी,
यार ये एक्सपेक्ट नहीं किया था यार, भले ही ये भूत मकड़ मानव था पर इससे प्यार हो गया यार। अगेन भाई गेविन क्या था वो वॉइस एक्टिंग यार, बड़ा सही गेम था, पर ये नहीं एक्सपेक्ट किया था कि चार्ल्स ऐसे मरेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, अगर आपको गेम अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लाइक नहीं करना तो कोई नहीं, कमेंट करके बता देना, फीडबैक दे देना कि कैसे मैं अपना गेम प्ले इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो मिलते हैं एक और नए गेम में, ऐसे ही कोई एक नए गेम में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।